कभी हैदराबाद गए हो? कभी सुना है हैदराबाद बिरयानी के बारे में? हाँ बस वही सुना होगा, कुछ सुन नहीं सकते। कुछ और सुनना है तो इस वीडियो को देखो। देख लो। और अब मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद के एयरपोर्ट पर। अगर आप एयरपोर्ट से ही कैब बुक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट चार्ज मिलाकर आपको 4 किलोमीटर के 800 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा सामान ना हो तो या तो पब्लिक बस का यूज़ करें या फिर एयरपोर्ट के बाहर आकर सेम कैब आपको 10 रुपये में 4 किलोमीटर ले जाएगी। मैंने भी यही किया था। चार मीनार पर हेरिटेज वॉक के बाद इस देश की खूबसूरती दिखाई दी। यहाँ पर एक मस्जिद थी और चार मीनार से मैं मुश्किल से 20 कदम आगे चला हूँ और यहाँ पर है एक महादेव मंदिर जो कि ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद गए हम हुसैन सागर लेक के पास, जिसके बीच में खड़ी थी गौतम बुद्ध की प्रतिमा। सच में ऐसा देश है मेरा। लुम्बिनी पार्क के लेजर शो में तो हम नाचे ही, इसके अलावा हुसैन सागर लेक में भी बोट पार्टी करने का मजा कुछ और ही था। थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद हम गए बिरयानी खाने के लिए। हैदराबाद आए, बिरयानी ना खाए तो क्या खाक हैदराबाद आए। यहाँ पर मैं मिला अपने दोस्त से ठीक 5 साल बाद, बहुत सारी मस्ती की। उसके बाद हम अगले दिन निकल गए चौमोहल्ला पैलेस, जो है हैदराबाद के निज़ाम का हाउस। उसके बाद हम गए दुनिया भर की विख्यात चीज़ों से बना सलार जंग म्यूज़ियम, रामोजी फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी में बहुत सारे सेट बनाए हुए हैं और कई सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जैसे कि क्रिश, कमीने और इसके बाद हम गए सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। हैदराबाद में बहुत सारे पार्क होने की वजह से हम लोग काफ़ी सारे पार्क्स में घूमे और उसके बाद हम गए थे नेहरू जू में। और इस फीमेल चिंपैंजी की तो क्या कहने, इसका निशाना सीधे मेरे फोन पे लगा और ये है दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ। मजाक कर रहा हूं, ये वाला असली है और इनको देख के सलमान भाई की याद आ गई। छोटे बच्चे हमें वर्दी में देखकर जब सल्यूट करते हैं तो वो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ होती है। और ये फालतू के कुछ रैंडम फोटोग्राफ्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरनेट पर गाली ना दें, #NoGaliAbhiyan, spread love on internet, thank you.